मध्य प्रदेश के सतना जिले में एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां एक समूह द्वारा लगभग 50 गायों को फंती सतना नदी में फेंक दिए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस हृदय विदारक घटना के बाद नागौद पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। नागौद पुलिस थाने के प्रभारी अशोक पांडे ने जानकारी दी। मंगलवार की शाम बमहोर के पास रेलवे पुल के नीचे कुछ लोगों द्वारा गायों को नदी में फेंके जाने का वीडियो सामने आया। इस घटना का संज्ञान लेते हुए हमने तुरंत एक पुलिस दल को मौके पर भेजा और 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। घटना में आरोपियों की पहचान बेटा बागरी, रवि बागरी, रामपाल चौधरी और राजलू चौधरी के रूप में की गई है। इनके खिलाफ मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह कानून राज्य में गायों की हत्या को रोकता है और इस मामले में सख्त कार्रवाई की जा रही है। अशोक पांडे ने बताया, घटना मंगलवार की दोपहर हुई, जिसमें करीब 50 गायें शामिल थी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इन गायों में से 15 से 20 की मौत हो गई है, लेकिन इन आंकड़ों की पुष्टि बचाव अभियान और जांच पूरी होने के बाद ही हो पाएगी। नागौद पुलिस ने बताया कि फिलहाल गायों की सही संख्या और उनकी मौत के बारे में विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है। इसके साथ ही आरोपियों की तलाश भी जारी है। पुलिस का कहना है कि दोषियों को जल्द ही गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।